गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पूरे देश के साथ पश्चिम बंगाल में भी कोविड-19 महामारी तेजी से पांव पसारने लगी है। सतर्क राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला मुख्यालयों और स्वास्थ्य अधिकारियों को बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट डालने के अधिकार को लेकर सोनागाछी के देव वर्कर्स ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में देव वर्कर्स कोलकाता की सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव में वोट डालने के अधिकार की मांग की। प्रदर्शनकारी देव वर्कर्स के हाथों में मांगे लिखी हुई थी और तख्तियां भी थी। हमारे जो नागरिक अधिकार है, शेष वगर के जो नागरिक अधिकार, ये हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें ये नागरिक अधिकार के लिए सरकार के पास हम लोग निवेदन किया था, इलेक्शन कमिश्नर के पास। वहाँ जाके हम लोग निवेदन किए थे कि हमें क्यों वोट आधार कार्ड क्यों नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा था जे आपका बिना कोई कागज का ही हो जाएगा। तो उस जगह से हम लोग के लिए कुछ कुछ तो हुआ, कुछ कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, सरकार के जो इलेक्शन कमिश्नर के भी, उनके भी सहानुभूति रहना चाहिए शेष वर्कर के ऊपर में, क्योंकि हम अलग नहीं है, हम भी देश के नागरिक है। कि हम चाहते हैं हमारा राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये वाला हो, क्योंकि हमको लड़ाई का खुद को लेना पड़ रहा है। अमित शाह ने कहा है कि हमने तय किया है कि हम यहाँ ऐसी सरकार लाएंगे जिसके रहते बंगाल के युवा को बंगाल के बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़े। ये जो तुष्टिकरण और घुसपैठ हो रही है उसको भी रोकने का काम बीजेपी की सरकार करेगी। बंगाल के इस कोने में एगरा की धरती पर आपको बताने आया हूँ, 37 साल से पहले कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी, इसने बंगाल का भला नहीं किया। कम्युनिस्टों से आप परेशान थे, दीदी ने वादा किया कि हम परिवर्तन करेंगे, माँ माटी मानुष का नारा दिया। मुझे बताइए भाई, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, दीदी माता है, दीदी भी बताए, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? मित्रों, परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी घुसपैठ हो रही थी, आज भी घुसपैठ हो रही। आप मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? आप मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, 5 साल में ही हम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे, 5 साल के अंदर ही। मित्रों, बंगाल में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से बोले, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ये दुर्गा पूजा करने के लिए आप लोगों को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा करने के लिए शिक्षकों को मारा जाता है और बंगाली भाषा की बात करने वाले शिक्षक को पुलिस गोली मारती है। ऐसी सरकार चल सकती है क्या? चल सकती है क्या? मैं आपको बताने आया हूं, एक बार कमल फूल की सरकार बना दो, सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को इस बंगाल की भूमि पर कोई नहीं रोक पाएगा। मित्रों, कोई नहीं रोक पाएगा। हर काम के अंदर एक टैक्स कट मनी देना पड़ता है, टोलबाजी हो रही है और ममता दीदी कहती है 500 रुपया लिया उसमें क्या गया? अरे ममता दीदी, आपकी बात अलग है, भतीजे का कट मनी आपके पास आता है, गरीब बंगाल के मजदूर का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे मछुआरे का 500 रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। बताओ भाइयों, एक कट मनी और टोलबाजी बंद होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? ममता दीदी कहती है 500 रुपये में क्या है, हम कहते हैं 5 आना भी आपका टोल मनी और कट मनी में नहीं जाएगा, एक बार आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। मित्रों, यहां पर पंचायत के चुनाव हुए, आपको वोट नहीं डालने दिया गया,
प्रत्याशियों को मारा गया। व्हाट्सएप पर फॉर्म लिए गए। मुझे बताइए, चुनाव भय रहित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप अपना वोट डाल पाए ऐसी व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए? डरिएगा मत, इस बार ममता दीदी के गुंडों को दिन में तारे दिखाई पड़ने वाले हैं, दिन में तारे दिखाई। ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आपको वोट डालते हुए रोक नहीं पाएंगे। आप निर्भय होकर कमल की सरकार चुनिए, दीदी के गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में महिला उत्पीड़न की शिकायत पर दबिश देने पहुंचे पुलिस टीम पर एक दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने हमला बोल दिया। हमले में सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाशों ने चौकी इंचार्ज को पिस्टल और सिपाही की बंदूक छीन ली। घटना कानपुर देहात के थाना रसूलाबाद क्षेत्र की है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा है कि देश भर के 42,000 से ज्यादा सरकारी विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है, जबकि 15,000 विद्यालय शौचालय से वंचित हैं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को ये जानकारी शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली के आंकड़ों के हवाले से दी। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी असम के 2 दिन के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उन्होंने जोरहाट में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही असम के लोगों के लिए कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी वाले काम भी बताए। राहुल ने सूबे में महिलाओं के प्रति माह 2,000 रुपए और राज्य में 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। हमने इस चुनाव में हमने आपको 5 गारंटी दी। मैं जानता हूं कि यहां पे चाय मैदान में काम करने वाले मजदूर हैं, यहां महिलाएं आई हैं। हमने आपके लिए 5 गारंटी देने का वायदा किया है। मैं ये गारंटियां आपको पढ़ना चाहता हूं। पहली गारंटी, जो ये CAA है, इसको हम असम में और हिंदुस्तान में लागू नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसा हुआ है। रत्नागिरी जिले के खेड़े में इंडस्ट्रियल इलाके स्थित इस केमिकल फैक्ट्री में शनिवार को ब्लास्ट हुआ है। कानपुर का कोहना थाना क्षेत्र के गंगा बैरज पर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। गंगा बैरज पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपने बड़े अफसरों को इसकी जानकारी दी। राष्ट्रीय पक्षी के मौत की सूचना मिलने पर कर्नलगंज थाने के डिप्टी SP त्रिपुरारी पांडे मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने मातहतों से तिरंगा मंगवाया और पूरे सम्मान के साथ मोर को उसमें लपेटकर चौराहे पर बने चबूतरे पर रख दिया। इसके बाद सभी पुलिसकर्मियों ने मोर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सम्मान से सैल्यूट किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को पिछले 24 घंटे में कोरोना के 813 नए मामले सामने आए हैं। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो कि चिंताजनक है। दिल्ली में आए दिन कोरोना के मामलों की संख्या में इजाफा होते दिख रहा है। शहर में टेस्ट पॉजिटिव रेट शुक्रवार को यहाँ 0.93% रहा, वहीं कल यानी शनिवार को ये बढ़कर 1.07% हो गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति जिले में भीषण हिमस्खलन की घटना हुई है। गुंडाला घाटी क्षेत्र में शनिवार सुबह पहाड़ी से एक हिमखंड टूटकर गिरा, जो चंद्रा नदी में समा गया। हिमखंड टूटने से उठे गुब्बार से पूरी घाटी में हड़कंप मच गया। नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसान नेता पूरे देश में महापंचायत कर रहे हैं। इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने शनिवार को कर्नाटक के शिवमोगा में किसानों से दिल्ली की तरह बेंगलुरु को भी घेरने की अपील की है। राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली में लाखों लोग घिराव कर रहे हैं। ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी, जब तक कि इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लिया जा रहा। दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को हैं, और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको हर शहर शहर में चलाना पड़ेगा।
जब तक ये तीन कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आदित्य ठाकरे ने शनिवार शाम ट्वीट करके ये जानकारी दी। भारत आए अमेरिकी रक्षा मंत्री ऑस्टिन की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से विज्ञान भवन में प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों देश भारतीय सेना और अमेरिका की हिंद प्रशांत कमान, मध्य कमान और अफ्रीका कमान के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात के बाद कहा है कि भारतीय सेना और यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, सेंट्रल कमांड और अमेरिकी कमांड के बीच हम सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। माइक्रोमैक्स इन वन को भारत में लॉन्च कर दिया गया है। ये इंडियन स्मार्टफोन कंपनी की ओर से भारत में वापसी करने के बाद से तीसरा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप किया गया है। माइक्रोमैक्स इन वन को दो कलर ऑपरेशन में उतारा गया है। पबजी मोबाइल की वापसी को लेकर फिर से बड़ी खबर आई है। पबजी कॉरपोरेशन अपने बेंगलुरु कार्यालय के लिए एक इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजी एनालिस्ट तलाश कर रहा है। सहयोग ने सहयोगी लेवल के लिए लिंक्डइन पर नौकरी के लिए की गई लिस्टिंग पोस्ट की है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।